गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी. गुड मॉर्निंग. ओके, सो टुडे इज द डाउट सेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसका डाउट सेशन है. तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि कैसे कैसे आपको डाउट्स लेके आने. डाउट शुड नॉट बी लाइक कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया, फिर से समझाओ. अरे उसमें क्या समझ नहीं आया वो डाउट हो सकता है. क्वेश्चन ही समझ में क्यों नहीं आया, जब क्लास में पूछा था तब क्यों नहीं पूछा और वीडियो भी दी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. क्वेश्चन में क्या चीज समझ में नहीं आई, दैट यू कैन आस्क, दैट इज द डाउट, है ना. और कोई भी अगर ऐसे कहता है कि पूरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पढ़ाई नहीं करी, कल बैठ के पढ़ाई नहीं करी और उठ के आ गए और अब कुछ तो पूछना ही था फॉर्मेलिटी के लिए, चलो सर ये बता दो, ऐसे पूछ रहे हो. ओके, हाँ जी, तो एक एक करके डाउट्स पूछना शुरू करेंगे विद पेज नंबर. पेज नंबर बताएंगे और अपना डाउट बताएंगे. अगर एनसीईआरटी से, अगर बाहर किसी किताब से लाए हो तो बोल के बता सकते हो. बोलो क्या 54, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11. ओके, एग्जाम्पल 11 देखो भाई, तनिषा ने कहा है पेज नंबर 54 पे, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज दिस एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly income. Mark karo, very important. Mark karo. Abhi bata. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना. देखा था घर पे ये वाला क्वेश्चन किसी ने? देखा हुआ ही नहीं. ओके, देखो क्वेश्चन को का मतलब समझते हैं. ये क्या कह रहा है, दो लोग हैं, दो लोग हैं, लेट अस से दो लोग कौन ले, एक तो है अंश और एक है विष्णु, ये दो भाई. अब देखो अंश और विष्णु दो लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो दे रखा है. इनकम का रेशियो कितना रेशियो दे रखा है, 9:7 इनके इनकम का रेशियो, रेशियो ऑफ इनकम. इट इज गिवन द रेशियो ऑफ इनकम इज व्हाट, 9:7. अब 9:7 रेशियो समझते हो ना, रेशियो. जैसे मान लो इसकी इनकम 9000 रुपए हुई और इसकी इनकम 7000 हुई, तो 9000 और 7000 का रेशियो आ जाएगा 9:7. अब जरूरी नहीं है 9000 7000 हुई, कल को ये भी हो सकता है कि 18000 इनकम है और इसकी 7 × 14000 इनकम है. अभी भी 18000 14000 के हिसाब से भी रेशियो 9:2, तो 9:7 रेशियो गिवन है. एग्जैक्ट इनकम हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट इनकम हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है दुनिया में, ठीक है, पर रेशियो हमको पता है कि 9:7. इज दिस क्लियर? ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इनका रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी गिवन है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी गिवन है. ये तो पहली इंफॉर्मेशन है. दूसरी इंफॉर्मेशन है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा. रिकॉर्डिंग तो चालू है. ओके, सही है. हाँ, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, लेट अस सी, 4:3. अब 4:3 में भी ये भी हो सकता है कि 4000 इसका खर्चा हो, 3000 इसका खर्चा हो, कैसा भी रेशियो में वो कुल मिला के रेशियो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा. अच्छा जी, और तीसरी चीज हमको जो गिवन है, तीसरी चीज जो हमको गिवन है वो है सेविंग्स. इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर, वो भी मंथली है. देखो ये इनकम भी मंथली है, ये एक्सपेंडिचर भी मंथली है और सेविंग भी मंथली है, तो सब चीज मंथली 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 चल रही है. तो वो जब सारी चीज मंथली चल रही है तो उस मंथली वर्ड को इग्नोर कर सकते हो, है ना. अपने को ऐसे नहीं सोचना कि एनुअल क्या होगी. हाँ, अगर कोई चीज एनुअल होती, कोई चीज मंथली होती, तो फिर एक जगह लाना पड़ता है, या तो मंथली को एनुअल करना होता है या एनुअल को मंथली करना होता है. बट व्हेन एवरीथिंग इज मंथली, देन इग्नोर मंथली, भूल जाओ मंथली लिखा हुआ है वहां पे. हाँ, सेविंग्स की बात करते हैं, तो रेशियो ऑफ, नहीं रेशियो नहीं गिवन है, सीधी सीधी सेविंग्स गिवन है, सीधी सीधी डायरेक्टली वी आर गिवन द सेविंग्स. भाई कितनी सेविंग्स होगी, कितनी सेविंग्स होंगी, ये भाई भी 2000 बचाएगा, ईच मतलब ये भी और वो भी, ये भाई भी 2000 पे सेव करेगा. और सेविंग्स तो आपको कॉमन सेंस की बात है, कहीं कोई फॉर्मूला मैच वाले लिख के नहीं देंगे, सिंपल सी बात है कि टोटल इनकम में से जब कोई खर्चा घटा देंगे तो सेविंग्स मिलेगी. भाई 10वीं क्लास के बच्चे को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सर ये फॉर्मूला तो कहीं लिखवाया नहीं कि सेविंग्स का ये फॉर्मूला होता है. कॉमन सेंस है ना भाई, जितना कमाओगे जितना खर्च करोगे बची हुई चीज ही तो सेविंग्स होंगी ना. तो इसमें से इसको माइनस करके इसका, इसकी सेविंग्स आ रही है 2000 और इसकी सेविंग्स भी आ रही है कितनी, 2000. अब देखो इनकम जो है वो रेशियो में है, एक्सपेंडिचर है वो भी रेशियो में, और सेविंग्स हैं एक्चुअल, रेशियो में नहीं है, तो बड़ी नाइंसाफी है, ठीक है. अब इसको कैसे सॉल्व करें, आपसे ऑब्वियसली क्या पूछा होगा उसने,
फाइंड देयर मंथली इनकम, मंथली इनकम दैट मीन्स ये चीज पूछिए कि एक्चुअली इनकम कितनी है। अब देखो ऐसे तो कर नहीं सकता, नौ में से चार गया, क्योंकि ये नौ थोड़ी ना, ये तो नौ हजार भी हो सकता है, ये तो 18,000 भी हो सकता है, तो 9,00,000 भी हो सकता है, हमको क्या पता। अजय ये चार थोड़ी ना, ये 400 भी हो सकता है, ये 4,000 भी हो सकता है, ये 40,000 भी हो सकता है, 4,00,000 भी हो सकता है, हमको क्या पता, माइनस कैसे करते, नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो में जैसे कुछ भी रेशियो गिवन है, लेट अस से 9:7 गिवन है, तो हमको पता नहीं है कि अंश की इनकम कितनी है, विष्णु की इनकम कितनी है, हमको नहीं पता। बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि अंश की इनकम को 9x एंड विष्णु की इनकम को 7x मान लें। अब x अलग अलग वैल्यू पे रखे जाओ, रखे जाओ, रखे जाओ, सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1,00,000 लग दी, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 9,00,000, इसकी इनकम कितनी हो गई 7,00,000, अभी भी रेशियो 9:7 है। सपोज करो x की वैल्यू मैंने 1,000 रख दी, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 9,000, इसकी इनकम कितनी हो गई 7,000, अभी भी इनकम की रेशियो 9:7 है। तो आपको इसके आगे कुछ ऐसा रखना है ताकि इनकी इनकम की रेशियो हमेशा 9:7 रहे। तो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट मानते थे, याद करो के नाम का, जूनियर क्लासेस में सीखा है। अभी अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं, तो उस के की जगह क्या रख देंगे, एक्स। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के आगे भी कुछ रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर उधर एक्स रखा है तो इधर एक्स नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा कहीं गिवन थोड़ी ना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके इनकम आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर आएगा, ऐसा कहीं गिवन। तो दूसरा वेरिएबल भी तो हमारे पास, चैप्टर का नाम क्या है, इन टू वेरिएबल्स, तो इसको रख दो वाई। अब ये एक्चुअल इनकम है, पहले ये रेशियो थी, अब ये एक्चुअल इनकम है, अब ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, तो एक्चुअल इनकम में से एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग्स आएंगी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000। और इक्वेशन 2, अब वो उसकी एक्चुअल इनकम है और ये इसकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000। This is my equation number 1, this is my equation number 2. अब सॉल्व नहीं होगा क्या, बताओ? तो सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन बनने तक की देरी थी ना। कहने का मतलब ये कि रेशियो का क्वेश्चन जहां पर भी आएगा तो उस रेशियो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में चेंज करना पड़ेगा। अब वो किस से मल्टीप्लाई करें, अगर जनरल क्वेश्चन होता तो के से मल्टीप्लाई करते थे, के से, बट क्योंकि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है तो ऑब्वियसली इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी ना। तो एक रेशियो को तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे रेशियो को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर एक्चुअल पे आ जाओ भाई, एक्चुअल इनकम में से एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस करके एक्चुअल सेविंग्स आ जाएंगी, इसकी भी और उसकी भी, और दो इक्वेशन बन जाएंगी। क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है टेंथ में भाई, ये क्वेश्चन 10 तरीके से और से सॉल्व हो सकता है मानते बात, लेकिन आपके कोर्स में तो एक ही तरीका है, तो ऑब्वियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, क्लियर है। जनरल टर्म्स की बात करें तो इस क्वेश्चन को 10 तरीके से और सॉल्व कर सकते, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसकी अभी क्यों बात करें। ओके, क्लियर हो जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी। अब तो सॉल्व कर लोगे, एक्स निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, एक बार एक्स निकल गया, लेट अस से एक्स 1,000 निकल गया, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 9x यानी 9,000, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7x यानी कि 7,000, ठीक है। इनकम पूछा है आपसे तो खर्चा तो पूछा ही नहीं है, लेट अस से खर्चा भी पूछ ले तो फिर वाई की वैल्यू भी पुट अप कर देना भाई, इसका खर्चा भी निकल जाएगा, इसका खर्चा भी निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसी तरीके से डाउट सेशन चलेगा, आपको हिंट देते जाएंगे, फिर बाकी काम आपको खुद को करना है, डाउट सेशन को डाउट सेशन ही रखना है। हाँ, पेज नंबर 57, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, तेज बोलो थोड़ा आवाज दे, ये गेट लगा दो, या तो ये गेट लगा दो एक जना, अरे ये फैन चला देते ना पीछे, गर्मी में क्यों बैठा, यस हाँ रो अंश बोलो, एक चीज रुपीस में गिवन है और एक चीज नोट्स में गिवन है। हाँ, तो दो आपको केसेस चाहिए होते हैं, दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन बनती है, दूसरे इंफॉर्मेशन से दूसरी इक्वेशन बनती है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो चीजें दी हुई हैं वो सेम ही नेचर की हों, सेम नेचर की दे दे तो बढ़िया है, अलग अलग नेचर की भी दे सकता है। तो देखो आपको क्या पूछा है, जो पूछा है उसी को एक्स और वाई मानते हैं, उसने क्या पूछा कि 50 के नोट
और 100 के नोट की संख्या बताओ, 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या बताओ। तो लेट अस से ये तो हो गए 50 नोट्स, रुपीज 50 के नोट्स, और ये हो गए रुपीज 100 के नोट्स। मैं मान लेता हूं ये तो हो गई संख्या, संख्या को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं नंबर। भाई नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स मान लेते हैं एक्स, और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स मान लेते हैं वाई। अब कुल मिला के कितने नोट हैं? 25 नोट हैं। तो पहली इक्वेशन बन गई ना, बनी कि नहीं बनी? कुल मिला के कितने नोट हैं वहां पे? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कुल मिला के उसको 25 नोट मिले, उसमें से कुछ नोट उसके 50 के थे और कुछ नोट उसके 100 के थे। मिले मतलब कहीं रस्ते पे पड़े हुए नहीं मिले, बैंक से निकालने गई थी, है ना? बैंक से निकालने गई, उसको कुल मिला के केशव ने कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। तो 50 के नोट को एक्स मान लिए और 100 के नोट वाई मान लिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकंड, ये तो हो गई नंबर के हिसाब से, अब एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से चेक करते हैं। एक्चुअल अमाउंट या वैल्यू कह सकते हो, वैल्यू के साथ चेक करते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, 50 के नोट अगर एक्स हैं तो टोटल कितनी रकम है आपके हाथ में? 50x। सपोज करो ये 10 नोट होते तो 50 × 10 ₹500 होते वो आपके हाथ में। तो 50 को आपको उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो अमाउंट पता चलेगा। तो ये कितना अमाउंट हो गया? रुपीज 50x। सिमिलरली वो कितना अमाउंट हो गया? रुपीज 100y। और टोटल अमाउंट कितना गिवन है? टोटल कितने रुपए मिले उसको? 2000। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो एक इक्वेशन बनी नंबर ऑफ नोट्स के हिसाब से, एक इक्वेशन बनी एक्चुअल अमाउंट के हिसाब से। तो दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, वो सेम होगी, ऐसी कोई गारंटी या ऐसी कोई कंपल्शन नहीं उसके ऊपर, कैसे भी कर सकता है। ओके, बस अब तो कर लोगे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पेज नंबर 56। अरे वाह, ऑनलाइन से भी डिमांड है। 56, नाम तो बता दो। यश, हाँ, पेज नंबर 56 क्वेश्चन बोलो। एग्जाम्पल 13। ओके, एग्जाम्पल 13 डिजिट वाला क्वेश्चन है, हमने किया था वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। देखो, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। एक दो डिजिट का नंबर है, उस नंबर का उसी के रिवर्स नंबर से सम करना है, उसी के रिवर्स नंबर से। रिवर्स नंबर क्या होता है? लेट अस से कि यहां पे 12 है, तो उसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 21। रिवर्स नंबर मतलब डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिले। तो एक नंबर है उसका उसी के रिवर्स नंबर के साथ सम करते हैं तो क्या निकलता है? ऐसा गिवन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो दोनों डिजिट्स हैं, टेंथ डिजिट, यूनिट डिजिट, उनका डिफरेंस कितना है? 2। उनका डिफरेंस कितना है? 2। तो फाइंड द नंबर, एक्चुअल नंबर बताओ और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ऐसे दुनिया में अगर एक से ज्यादा नंबर है तो वो भी बताओ। पहले तो आप ये सोचो कि ऐसा, पहले तो नंबर निकालो। नंबर निकालोगे तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकले तो कह देना सर एक ही नंबर है, नो सॉल्यूशन निकले कह देना सर ऐसा नंबर ही नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए तो कह देना इनफाइनाइट नंबर्स, और मोस्ट प्रोबेबली यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, चेक करते हैं। तो देखो, जब उसने कह दिया कि डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, तो आप बिना इक्वेशन के कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 रखना है तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे ऐसा पहला नंबर होगा, डिजिट्स का डिफरेंस 2 रखना है ना, तो पहला ही नंबर ले लो आप 13। 13 में 1 और 3 का डिफरेंस 2 है। अगला नंबर बताओ जिसका डिफरेंस 2 है, 24। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए ना। अगला बोलो 35। नेक्स्ट 46, उससे नेक्स्ट 57, उससे नेक्स्ट 68, उससे नेक्स्ट बोलो डिफरेंस 2 होना चाहिए 79, उससे नेक्स्ट बोलो बस 80 नहीं होगा, 80 में तो डिफरेंस 8 हो जाता है, 6, 7, 8, और उसमें नो नहीं, ये गलत, 79 गलत लिख दिया क्या? 79 गलत, 68 के बाद अगला बोलो 79, हाँ 79, यस सही तो लिखा तुम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अब एक इधर बढ़ा दूं और एक इधर बढ़ा दूं तो लोचा हो जाएगा, 8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब 80 की लाइन में सोचो ऐसा कोई नंबर, 86, 86 का डिफरेंस 2 है ना, 97। अब आंसर होना हो इनमें से। अब इसका रिवर्स नंबर देखो 31, इसका रिवर्स नंबर देखो 42, इसका रिवर्स नंबर 53, 64, 75। कितना मजा आ रहा है इस टेस्ट को, कितना आसान काम दे दिया सर, 97, 68, 79। अब इनमें से वो पेयर छांट लो जिसका सम 66 है, ये लो,
इन दोनों का सम 66 है सर, ये ऐसे थोड़ा होगा सोल्व, ये तो कॉमन सेंस से कर लिया, इक्वेशन तो बनवाओ भाई, आंसर तो ये है। यानी मैं तो केवल वो देख रहा था कि एक नंबर ऐसा मौजूद है या बहुत सारे नंबर, एक ही नंबर मौजूद है, इसके अलावा और कोई नंबर एक है जिसका सम 66 आ रहा है, जैसे 24 प्लस 42 का सम 66 आ रहा है ना, नंबर और उसका रिवर्स नंबर का सम 66 लाना है, 13 और 31 का सम इज नेवर इक्वल टू 66, 35 प्लस 53 इज नॉट इक्वल टू 66, तो यूनिक नंबर तो है ये तो पता है, बट अब इसको ऐसे थोड़ा सोल्व करना है, हमको इक्वेशन बना के सोल्व करना है। इक्वेशन बना दो यार, क्या दिक्कत है। लेट अस से यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट मान लो एक्स और यूनिट डिजिट मान लो वाई, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा, एक्चुअल नंबर क्या होगा बताया था, इसकी फेस वैल्यू वाई, इसकी प्लेस वैल्यू वन, इसकी फेस वैल्यू एक्स और उसकी प्लेस वैल्यू टेन, तो टेन इंटू एक्स टेन एक्स, वाई इंटू वन वाई, तो एक्चुअल नंबर टेन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब ये तो हो गया ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर बोलो, रिवर्स नंबर हो जाएगा वाई इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, अब उस हिसाब से ओरिजिनल नंबर बोलो, अब इसकी इसकी फेस वैल्यू वाई, इसकी प्लेस वैल्यू टेन, टेन इंटू वाई टेन वन, उसकी फेस वैल्यू एक्स, इसकी प्लेस वैल्यू वन, एक्स इंटू वन एक्स, तो ओरिजिनल नंबर अगर टेन वाई प्लस एक्स है तो रिवर्स नंबर ये हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या करना है 66, दैट मीन्स टेन एक्स प्लस एक्स 11x, वाई प्लस टेन वाई 11y बराबर क्या 66, 11 से काट दो थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस वाई बराबर 11 66, तो ये तो हो गई पहली इक्वेशन में। और दूसरी इक्वेशन बड़ी आसान है, उसने क्या कहा था कि उनका डिफरेंस 2 है, उनका डिफरेंस क्या है, अरे एक चीज सुनो, दो नंबर मौजूद है, एक चीज अपन ने सोची नहीं कि अगर अपन ओरिजिनल नंबर 24 मान लें तो उसका रिवर्स नंबर क्या है 42, इन दोनों का सम 66 है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ओरिजिनल नंबर ही 42 मान लें तो फिर उसका रिवर्स नंबर 24, अभी भी तो इसका सम 66 है, तो एक्चुअली एक नंबर नहीं दो नंबर मौजूद। हाँ, अगर वो ये चीज क्लियर कर दे कि टेंस डिजिट बड़ी है यूनिट्स डिजिट छोटी है, तब फिर यही नंबर फिक्स हो जाता है, और अगर ये फिक्स कर दे कि नहीं नहीं यूनिट्स डिजिट बड़ी है और टेंस डिजिट छोटी है, तब वो वाला नंबर फिक्स हो जाता है। वो कुछ भी फिक्स नहीं कर रहा तो फिर दुनिया में एक नहीं ऐसे दो नंबर मिलेंगे। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो देखो अब उसने क्या कहा, डिफरेंस क्या है उसका 2, तो इससे एक नहीं दो इक्वेशन निकलती है। डिफरेंस 2, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना। तो अभी उसने क्लियर नहीं किया ना कि टेंस डिजिट बड़ा है या यूनिट्स डिजिट बड़ा है, तो डिफरेंस 2 के हिसाब से दो इक्वेशन बनेगी, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, हमने मान लिया x बड़ा है, और या फिर y माइनस x इक्वल टू 2, हमने मान लिया y बड़ा है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, ये इक्वेशन तो फिक्स है, उन दोनों में से एक इक्वेशन है, तो पहले इसको इसके साथ सोल्व करना है, क्योंकि ये तो फिक्स है, और एक बार फिर अगला केस बना के इसको वापस इसके साथ सोल्व, यानी एक बार तो इक्वेशन 2 इसको माननी है और एक बार इक्वेशन 2 इसको माननी है। जब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तब इनमें से कोई एक नंबर निकल के आएगा आंसर में, जब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो बचा हुआ नंबर निकल के आ जाएगा आंसर में, तो एक में दो क्वेश्चन है ये कह सकते हैं, और ऐसे एक नहीं ऐसे कितने नंबर मौजूद हैं, दो नंबर मौजूद। समझ आया भाई, इसको तो फिक्स रखना है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 एक बार तो ये लेना है ये मानते हुए कि x बड़ा है y छोटा है, और एक बार इक्वेशन 2 ये मानना है ये मानते हुए कि y बड़ा है और x छोटा है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? हाँ बोलो सर, आपने कहा कि दो नंबर, क्या कह रहे हो आपने कहा ये दो नंबर होंगे, हाँ तो ये इक्वेशन फर्स्ट में कोई घोटाला नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट में कुछ घफला नहीं होगा क्या? बेटा इक्वेशन फर्स्ट में सम कर रहा है, मेरी बात सुनो, दो नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ने में इसको इससे जोड़ो इसको इससे जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा 10 में 4 जोड़ो 14, 4 में 10 जोड़ो 14, सम है ना वहां पे, तो ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नंबर क्या था 10x plus y और उसका रिवर्स नंबर, इन दोनों का सम करना है, सम करके 66 लगाना है, वहां पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस में फर्क पड़ता है कि किसको किस में से घटा रहे हो। 10 में से 4 घटाओगे तो 6 लाओगे, 4 में से 10 घटाओगे तो माइनस 6 लाओगे, तो डिफरेंस है, इसीलिए वहां पे दो इक्वेशन बनी, यहां सम है इसलिए एक इक्वेशन बनेगी। अगर आप यहां दो इक्वेशन बनाने लग गए ना तो बेटा तो 4 नंबर निकलेंगे, दो इक्वेशन ये बना दी, दो इक्वेशन इसके बना दी, सारे कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर तो 4 नंबर निकलेंगे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये तो फिक्स हो गई इक्वेशन।
क्लियर है क्या अभी सुयश? बोलो सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। प्रियांशु बोलो, जो भी बोल रहा है बताओ क्या पूछ रहे हो। नहीं आ गया सर। आ गया? अरे देखो ना यार, इसने भी तो ये किया हुआ है। देखो सम कर रखा है, अब इसके सॉल्यूशन के रेफरेंस से समझो चीजों को। देखो सम कर रखा है ना, ये ओरिजिनल नंबर, ये उसका रिवर्स नंबर, तो इन दोनों का सम करके एक ही इक्वेशन तो बनी है। दो कहां बनी है, एक ही बन सकती है, क्योंकि सम के अंदर एक ही बात होती है, x को y से जोड़ो या y को x से जोड़ो। लेकिन जब उसने डिफरेंस की बात करी, देखो जब उसने डिफरेंस की बात करी तो दो इक्वेशन बन गई, एक तो x माइनस y बाय y इक्वल टू 2 और एक y माइनस x इक्वल टू 2। ये तो कब मानी हमने, ये हमने तब मान ली जब x को बड़ा मान लिया और y को छोटा मान लिया। ये हमने तब मान ली जब y को बड़ा है और x को छोटा है। डिफरेंस की बात कर रहा है ना, डिफरेंस में दो इक्वेशन बनेगी। तो फिर ये फिक्स हो गई, एक बार इसको इससे सॉल्व करो और एक बार इसको इससे सॉल्व। देखो ये कह रहा है, वी आर गिवन दैट द डिजिट्स डिफर बाय 2, देयरफॉर आइदर और, आइदर और समझते हो, या तो ये बात या तो वो, समझते हो क्या आइदर और? आइदर और, तो यानी कि या तो दूसरी इक्वेशन ये बनने वाली है आइदर, या फिर ये बनने वाली, और वो तो फिक्स है ही सही। तो एक बार इसको इससे सॉल्व करो, एक बार इसको इससे सॉल्व करो, एक में दो क्वेश्चन करने बस, बाकी डिफिकल्टी लेवल नहीं है कुछ क्वेश्चन का, सरल ही है। इधर से जो वैल्यू आएगी वो उधर से वैल्यू का उल्टा आएगी। मान लो यहां से x 4 आया और y 2 आया, x 4 आया y 2 आया, तो ओरिजिनल नंबर 42 हो गया। x को टेंथ प्लेस माना है, y को वंस प्लेस माना है, तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 42 और उसका रिवर्स नंबर क्या आ गया 24। और यहां से जब इसको इसको सॉल्व करने से ये आया, तो अब इसको इसको सॉल्व करने से जस्ट इसका उल्टा आएगा, x 2 आ जाएगा और y 4 आ जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर 24 हो जाएगा और रिवर्स नंबर 42 हो जाएगा। हालांकि रिवर्स नंबर उसने पूछा नहीं है, उसने ओरिजिनल नंबर ही पूछा है, तो हम क्या कह देंगे, एक बार ओरिजिनल नंबर 42 है और दूसरे केस में ओरिजिनल नंबर 24। मैं कह दूंगा देयर आर टू नंबर्स अवेलेबल, आइदर द नंबर कैन बी 42 और द नंबर कैन बी 24। क्लियर है? ये तो पक्का हो गया कि जो उधर से वैल्यू आएगी उसकी उल्टी वैल्यू यहां आएगी, ये तो पक्का हो गया। अगर उधर एक्स 4 वाई 2 आया है, तो इधर एक्स 2 वाई 4 आएगा। ठीक है, ओके चलो। हाँ जी नेक्स्ट, पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर बोलो। वीडियो है भैया? हाँ तो फिर क्या चीज समझ में आई बोलो। कहां से समझ नहीं आया? फर्स्ट इक्वेशन बनी वहां से समझ में नहीं आया, उससे पहले का सब समझ में आ गया। बोलो स्पीड ऑफ द बोट को क्या लिया है आपने, स्पीड ऑफ द बोट को क्या लिया है? बोलो बोलो, उससे पहले का सब समझ में आ गया ना? स्पीड ऑफ द बोट को क्या लिया है और स्ट्रीम की स्पीड को क्या लिया है और अपस्ट्रीम स्पीड क्या लिया है? अपस्ट्रीम स्पीड 13 किलोमीटर, स्पीड पूछ रहा हूं डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, अपस्ट्रीम स्पीड क्या लिया है? इसमें तो दे ही नहीं रखा, ऐसे कैसा कौन सा क्वेश्चन बता रहा है पूछने के लिए, ढंग का बता कोई पूछने के लिए। बेटा घर जाके वीडियो देखियो, ठीक है ढंग से, और फिर आओ डाउट के साथ। देखी थी वीडियो, देखी थी वीडियो, किसके अंदर दे रखा है? कॉपी के अंदर से समझ में आएगा क्या? कॉपी बोल थोड़ी ना रही है। अभी डाउट पूछने आए हो, मेरी बात सुनो, अभी डाउट पूछने आए हो कॉपी में, तो सारे क्वेश्चन पे डाउट पूछने क्यों आया, कॉपी से ही देख लो। अभी इधर क्यों आए हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ समझाऊंगा, मैं बोलूंगा तो समझ आएगा ना, कॉपी बोलेगी थोड़ी ना, तो उसको इसीलिए तो कह रहा हूँ वीडियो देखो, क्योंकि करे हुए क्वेश्चन को फिर से डाउट में पूछोगे तो उससे फायदा क्या हुआ, फायदा होगा क्या कुछ? बाकी बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्लस आपको भी कुछ फायदा नहीं होगा। वही चीज मैं दोबारा कह दूंगा, उस वीडियो को देख के खुद ही को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आया, और जाए जो चीज समझ में नहीं आया वो पूछो, ठीक है? हाँ नेक्स्ट पूछो, पेज नंबर 40 लाओ बेटा। नितिशा द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी इज 90, स्टेटमेंट ही गलत, एबीसी की प्रेजेंट एज 90, या तो सम होगा, तीनों की एजेस का सम होगा 90 है ना,
सिक्स ईयर्स अगो द एज ऑफ ए बी सी, अच्छा रेशियो 1:2:3, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, देखो बैठो नितिशा एक क्वेश्चन लाइए अच्छा सा एज प्रॉब्लम पे, कहां से लाया बेटा? हाँ अच्छा आर एस अग्रवाल, ओके देखो आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन है कि तीन लोग हैं ए बी सी, ए बी सी इनकी प्रेजेंट एज का सम है, इनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 90 इयर्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये सम कितना है 90 इयर्स, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 90 इयर्स, ठीक। अब ये क्या कह रही है कि 6 साल पहले, 6 इयर्स अगो ए बी सी की एज का जो रेशियो था वो रेशियो क्या था 1:2:3, तो आपको तीनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, किसी एक की पूछ ले, एक की पूछ ले, बी की पूछ ले, सी की पूछ ले। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा सर टू वेरिएबल ही तो पढ़ाया है तो तीन लोग कहां से आ गए भाई, एक की प्रेजेंट एज को एक्स मानते थे, दूसरे की प्रेजेंट एज को वाई मानते थे, तीसरे की प्रेजेंट एज को क्या माने, पढ़ाया ही नहीं है कोर्स में ही नहीं है थ्री वेरिएबल, तो 3D में पहुंच गए आप, तो 3D तो आती है 11th क्लास में, अभी 2D की बात करेंगे ना, 3D ग्राफ बनाना सर ने सिखाया हमने अभी तक, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस नहीं सीखी, केवल x एक्सिस और y एक्सिस सीखी, तो ऑब्वियसली तीन लोगों का क्वेश्चन है लेकिन हमको सॉल्व 2D में ही करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो गई। ओके इज दिस क्लियर, तो देखो मैं ऐसे मान लेता हूं, मैं ऐसे मान लेता हूं कि इसकी प्रेजेंट एज है x, इसकी प्रेजेंट एज है, अब आप कह रहे हो उसकी क्या मानू सर, उसकी क्या मानू 90 - x - y, वेरी गुड, बस ये चीज ने समझ लिया उसका काम आसान हो गया। अरे तीनों का सम जब 90 है, गिवन है, तो उस 90 में से इसकी और इसकी एज घटा दूं तो तीसरे की एज नहीं पता चलेगी क्या, बोलो, मान लो इसकी एज है 30 साल, इसकी एज है 40 साल, 30 और 40 70, तो 90 में से 70 घटा दूंगा तो 20 उसकी नहीं आएगी क्या, आएगी ना, तो तीसरे बंदे की एज फाइंड आउट करने के लिए आपको तीसरा वेरिएबल सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गिवन द सम, सम गिवन है ना, तो सम की मदद से आप 90 में से x और y घटा के तीसरे की एज निकाल लोगे। अब तो क्लियर है बात, अच्छा जी 6 साल पहले जाना है तो x में से 6 घटा दो, y में से भी 6 घटा दो और इसमें से भी 6 घटा दो, तो इसमें 6 घटाओगे 90 - 6 क्या हो जाएगा 84, राइट अब आपको गिवन है कि इसका रेशियो ये है 1:2:3, तो आप अलग अलग सिचुएशंस ले लो, पहले इसका इससे रेशियो ले लो, यानी कि x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय y माइनस सिक्स, ये रेशियो कितना है 1:2, यानी कि 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x + 2x, 2 × 6 = 12, y1 + y, 6 + 6, y को उधर बुलाओ, 2x - y, 12 को उधर भेजो, 12 × 6 = 6, ये हो गई पहली इक्वेशन बन गई, तो इसको इससे कंपेयर करने से पहली इक्वेशन बन गई। अब चाहो तो तीन तरीके आपके पास, या तो इसको इससे कंपेयर कर लो दूसरी बन जाएगी, या इसको भी इससे कंपेयर करके दूसरी बना सकते हो, तो कैसे भी कर लो, लेटर से दूसरे को तीसरे से कंपेयर कर लो, तो y - 6 / इधर क्या लिखा है 84 - x - y, ये रेशियो कितना है 2:3, इसको कंपेयर करके दूसरी बन जाएगी, बन जाएगी, कर लोगे सॉल्व अब नितिशा, ठीक है ना, एक इक्वेशन आप इसकी इसकी एज को इसकी एज से कंपेयर करके कर लो, रेशियो क्या गिवन है 1:2, तो आपने लिख दिया 1/2, फिर बी की सी के साथ कंपेयर किया, वहां का रेशियो क्या गिवन है 2:3, तो 2/3, चाहो तो ये भी कर सकते थे कि ए की सी से कंपेयर कर लेते और रेशियो क्या लिखते हैं 1/3 रेशियो लिख देते, क्लियर है, क्लियर है क्या, ओके नेक्स्ट पूछो, लो बेटा कर लोगे ना, ट्राई करना, हाँ आप क्या पूछ रहे थे तनिष, 40 हाँ यहां से बोलो, ऊपर ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आई, ओके इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन That is, each solution x comma y of a linear equation in two variables corresponds to a point on the lines representing the equation and vice versa. अरे भैया एक equation अगर मेरे पास है, let us say 2x + 3y = 6, एक equation है मेरे पास, तो ये linear equation है,
तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी सम लाइन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन होगी। इसके एक इक्वेशन से जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो यूनिक सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल है x और y, तो दो ही मिनिमम इक्वेशन चाहिए भाई, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए मिनिमम। तो अभी एक ही है ना मेरे पास, एक ही है, तो इसके एक सॉल्यूशन ही निकलेंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। देखिए जैसे कि x की वैल्यू अलग अलग रख दूं तो y की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 3y = 6, y की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई। x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, उल्टा कर दूं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, आ रही है? ऐसे अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं ना 0, 2, 3, 0, ये हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पे रखे हुए एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो इस लाइन पे रखे हुए पॉइंट्स हैं, यानी कि ये लाइन जो है 0, 2 से भी गुजरेगी, ये लाइन जो है 3, 0 से भी गुजरेगी। अब क्या होता है, एक और नई इक्वेशन मिल जाती है तो उससे दूसरी लाइन बन जाती है, उसके सॉल्यूशन उसके पॉइंटों को बताते हैं, कॉमन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बताता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। भाई एक ही लाइन है तो फिर एक सॉल्यूशन थोड़ी ना, बहुत सारे हैं, क्योंकि एक लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से गुजरती है तो इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही दूसरी इक्वेशन आ गई तो अब एक नहीं दो लाइन हो गई, तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन वो एक ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पे हो रहा है। तो जैसे ही दो लाइन मिल जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, एक ही लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बात वो कह रहा है। देखो पढ़ लो फिर से, ईच सॉल्यूशन x, y टाइप का हर एक सॉल्यूशन इस तरह की लीनियर इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन क्या करता है, कोरस्पोंड करता है, यानी कि बताता है एक पॉइंट को जो कि उस लाइन पर है, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हुई उस पर हर एक पॉइंट को हर एक सॉल्यूशन कोरस्पोंड करता है, एंड वाइस वर्सा उल्टा भी है, हर एक पॉइंट हर एक सॉल्यूशन बताएगा, हर एक सॉल्यूशन हर एक पॉइंट बताएगा, वाइस वर्सा, समझते हो? इधर से इधर आए तो इधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट खत्म, ये टेस्ट है कल, मजाक नहीं है। हाँ 61 सर, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? सर मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन है सर। अच्छा वीडियो ऑन कर रहा है, बता देंगे। हाँ सर दो क्वेश्चन बताना है आपको। 61 Example 16. देखो, for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? Infinite many solutions के लिए k की value चाहिए। भाई k की value में क्या क्या रखूं ताकि इसके infinite solutions बने। Infinite solutions के लिए हमको क्या करना होता है, ये symmetry set करनी होती है, a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, इसको put up कर लो, k की value आ जाएगी। देखो यहाँ से a1 की value k, k divided by a2 की value 12, तो k by 12 इक्वल टू बी वन की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय बी टू की वैल्यू अगेन के इक्वल टू सी वन की वैल्यू, ये पूरा माइनस ऑफ के माइनस 3 माइनस ऑफ के माइनस 3 डिवाइडेड बाय इधर माइनस के। इसमें से चाहो तो उसको इससे इक्वेट कर लो, चाहो तो उसको इससे इक्वेट कर लो, चाहो तो इसको इससे इक्वेट कर लो, तीन तरीके हैं, तीनों से के की वैल्यू एक ही आएगी अगर क्वेश्चन सही है तो। अलग अलग आ रही तो क्वेश्चन ही गलत है, पर ऐसा क्यों होगा, है ना? स्क्वायर आ रहा है तो फिर के की दो वैल्यू आएगी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के इंटू के, के स्क्वायर, 12 × 3 = 36, तो के की वैल्यू आ जाएगी √36, दैट विल बी इक्वल टू ±6। अरे स्क्वायर रूट का आंसर दो होता है हमेशा, प्लस में और माइनस में, प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 है, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आप दो वैल्यूज कंसिडर करेंगे प्लस और माइनस, तो के की दो वैल्यूज है +6 और -6, ठीक है? चाहो से आप इसको इससे कंपेयर कर लो तो भी के की यही दो वैल्यू निकलेगी, चाहो तो पहले को तीसरे से कंपेयर कर लो तो भी के की यही वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में सेट होता है, ठीक है ना? अभी तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया ना, आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हो, सबसे यही वैल्यू आने वाली, ठीक है? हाँ बोलो सुयश, वीडियो ऑन किया क्या आपने? वीडियो में समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता समझ आएगा, बोलो सुयश, या तो टेलीग्राम पे सेंड कर दो ग्रुप में, बोलो सर, स्क्रीनशॉट खींच के टेलीग्राम पे ग्रुप में सेंड करो फटाफट। सर मैं आपको पर्सनल नंबर पे कर दूंगा क्या?
पर्सनल नंबर पे कर दूंगा सर, ये वाले ऐड नहीं है टेलीग्राम पे नंबर। टेलीग्राम पे ऐड नहीं है, ये तो तूने गौर पाप अनर्थ कर रखा है। टेलीग्राम पे ऐड दूसरे वाले नंबर ऐड है सर, दूसरा नंबर ऐड है। चल बोल क्वेश्चन, बोल तो हम सुन रहे हैं। अब देखो ऑनलाइन आने के कुछ तो घाटे होंगे ना, ये तेरा घाटा है, ऑफलाइन आया कर, बढ़िया मजे लिया कर, बताओ। हाँ क्वेश्चन बोल। ऑन सेलिंग का टीवी, क्या सुनाई दे रहा है कुछ? Once upon a time, मतलब स्टोरी बता रहा है? नहीं, once upon a time there was a crow, it was thirsty। हाँ once upon a time, नहीं सर ये नहीं है। बेटा सुन मेरी बात, ऑन सेलिंग हमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तू एक काम कर, तेरे पास जब नंबर आ जाए तू ग्रुप में डाल देना, फिर मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, चिंता मत कर। आज की तारीख में डाल दूंगा मैं सॉल्यूशन, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अगर कोई हल्का क्वेश्चन हुआ तो टाइप करके ही समझा दूंगा, और अगर कोई भारी क्वेश्चन हुआ तो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, बाकी सब भी देख लेंगे तेरे बहाने। ठीक है, अभी आप में से कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। आप टेलीग्राम में डालो जल्दी से जल्दी नंबर इकट्ठा करके, नंबर को ऐड कराओ, नहीं तो है ना। हाँ क्या हो गया? हाँ जी हो गया खत्म, तो बस फिर तेरा ही बचा है, बता दे। चल बता दे, सबका तो हो गया यहाँ पे। ट्राई कर थोड़ा क्लियर बोलने की, और मेन मेन बात बोल, सारी बात मत बोल। On selling a TV at 5% gain. क्या क्या बोला? On saying या selling? अरे एक काम करो, मेरी बात सुने काम, अरे एक काम करो ना यार, ये कौन बोल रहा है अभी? अभी कौन बोला था, किस कौन पूछ रहा है? सुयश, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ये गायत्री, ओजस या प्रियांशु, तीनों में से किसी एक नंबर पे भेज, और आप लोग टेलीग्राम पे शेयर करो, ये तो हो सकता है। पर इनके पास फिर इसका नंबर नहीं होगा। अरे टेलीग्राम पे सेंड कर, मैं आपके पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूँगा। हाँ हाँ ये कर ले, ये कर ले, चल जल्दी कर, लेकिन दो मिनट के अंदर टाइम हो रहा है। कर दिया? अरे कर दिया क्या? ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच आई रिसीव्ड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, on my telegram messenger, it was sent by I guess Suyash Sogani, या मुझे actually नाम याद नहीं, पर जितना मुझे ध्यान है शायद Suyash ने भेजे हैं दो questions, and देखो वो खुद ही join नहीं किया है उसके solutions के लिए, देखने के लिए कोई बात नहीं, वो video recording से देख लेगा। आप लोग देखो जितने भी बच्चे join कर रखे हो अभी, question number 14 and 15, these are from NCERT exemplar, ठीक है, linear equations से इनको solve करना है। चलो check करते हैं, question number 14 read out करते हैं। विजय had some bananas, विजय के पास कुछ bananas हैं, and he divided them into two lots A and B, उसने दो lots में divide कर दिया, कुछ bananas हैं उसके पास, let us say ये तो हैं bananas, उसको दो lot में divide कर दिया, A, B, ये दो lot में divide कर दिया। He sold first lot at the rate of 2 for 3 bananas, पहले lot को उसने किस rate पे बेचा? 2 for 3 bananas, 2 for 3 bananas, ये rate ही, मतलब ये price है ना पहले lot की। दूसरे lot की price क्या है? दूसरे lot की price है 1 per banana, एक में एक है ना, 1 for 1 banana, 1 per banana यानी 1 for 1 banana, ओके ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और ऐसा करने से उसके पास टोटल मिला के, इधर से भी कुछ पैसे आए, इधर से भी कुछ पैसे आए, टोटल मिला के कितने पैसे आए? 400 रुपए आए, ठीक है। अब ये तो हो गया एक केस, अब सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि अगर वो पहले लोट को 1 रुपए एक बनाना के रेट से बेचता, और सेकंड लोट को वो 4 per 5 बनाना के रेट से बेचता, थोड़ा सा मतलब वो चेंजेस करवा रहा है प्राइस में, तो फिर उसका टोटल कलेक्शन 460 रुपए होता। अभी टोटल कलेक्शन कितना है? 400 रुपए, और उस समय टोटल कलेक्शन कितना होता? 460 रुपए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनाना सी सोल्ड, तो कितने बनाना उसने बेचे, यानी ए और बी दोनों लॉट के टोटल बनाना सबको बताने। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ यश, सौम्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो सर, इसमें इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर बनाना, हाँ थोड़ा कंफ्यूज भाई, पहले उसने उसने ओरिजिनली तो फर्स्ट लॉट इस रेट में बेचा है, और सेकंड लॉट इस रेट में बेचा है, और ऐसा करने से टोटल पैसे उसके पास कलेक्शन इतना आया। अब वो कह रहा है कि अगर वो पहला लॉट इसमें ना बेचकर इसमें बेचे, मतलब इस रेट से बेचे, और सेकंड लॉट इसमें ना बेचकर इस रेट से बेचे, मतलब चेंजेस कर दिए प्राइस में, तो उसके पास जो कलेक्शन है वो केस सेकंड बनेगा या मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड है ना, मतलब ये अपन,
ये अजम्पशन है, क्या कह रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। चलो आप देखो एक बार सॉल्यूशन, स्टेप्स की बात बात में करो, एक बार क्वेश्चन तो सॉल्व करो। हाँ देखो, विजय हैड सम बनानास, ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। तो लेट अस से कि मेरे पास जो बनानास इन लॉट ए है, इसको शॉर्ट में ही सॉल्व करते हैं, बनानास, या फिर शॉर्ट में सॉल्व करूं तो ये लो ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। ये तो हो गया मेरे टोटल बनानास, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम फॉर्म में बनाया था, ये तो हो गया मेरे टोटल बनानास, राइट। इसको मैं दो लॉट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो है ए एक है बी। तो मैं मान लेता हूँ ए लॉट में एक्स नंबर ऑफ बनानास हैं और बी लॉट में मैं मान लेता हूँ मेरे पास वाई नंबर ऑफ बनानास, ठीक है जी। अब एक्स प्लस वाई मेरा आंसर होगा क्योंकि उसने कहा था टोटल नंबर ऑफ बनानास बताना, ठीक है। अब पहला केस क्या है कि उसने एक्स नंबर ऑफ बनानास को किस रेट पे बेचा, उसने किस रेट पे बेचा, 243 बनानास। देखो 243 बनानास यानी कि 3 बनानास, यानी कि 3 बनानास रुपीज 2 के, है ना, 3 बनानास रुपीज 2 के। तो एक बनाना कितने का हुआ बोलो, अगर 2 रुपए में 3 बनाना है तो एक बनाना कितने का हो गया, 2/3 बोलो, होगा नहीं होगा। और अब टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, x, तो x बनानास कितने के हो जाएंगे, रुपीज 2/3 इंटू एक्स, दैट इज कितना हो जाएगा ये, रुपीज 2x/3, ठीक है। ये तो पहले लॉट की बात हो गई, सेकेंड लॉट की बात करते हैं। तो सेकेंड लॉट की रेट क्या रखी उसने, सेकेंड लॉट की रेट रखी 1 पर बनाना, यानी 1 रुपए में 1 बनाना, यानी 1 बनाना, 1 बनाना 1 रुपीज, रुपीज 1 का। तो फिर x वाई नंबर ऑफ बनानास है मेरे पास 20 लॉट में, तो सीधे सीधे y बनानास कितने रेट के हो जाएंगे, y रुपीज के हो जाएंगे, रुपीज 1 इंटू वाई करूंगा तो 1 इंटू वाई दैट विल कम आउट टू बी रुपीज वाई। तो यहां से मुझे इतने रुपए मिले, यहां से मुझे इतने रुपए मिले, बुक के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए मिले, 400 रुपए। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 400, बन गई इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 400, इसका और इसका, यानी कि 2x/3 प्लस वाई इक्वल टू 400। फर्दर सॉल्व करो, 3 को एलसीएम ले लो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, 3 को वहां पहुंचा दो, 3×4=1200। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बोलो इक्वेशन नंबर 1 बनने में कोई दिक्कत, बताओ, बोलो सौम्या, इक्वेशन नंबर 1 बनने में कोई दिक्कत, यश बताओ, ये केस 1 है। चलो केस 2 में क्या करा उसने, देखो केस 2 में वो क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है कि थोड़ी प्राइस चेंज कर लेता हूँ। ये तो मेरा केस 1 है यहाँ तक, है ना, ये मेरा केस 1। केस 2 में उसने प्राइस चेंज कर ली, उसने पहला लॉट तो 1 रुपए पर बनाना में बेचा, पहला लॉट तो 1 रुपए पर बनाना, यानी इस लॉट को वो 1 बनाना फॉर 1 रुपीज बेचना चाहता है, 1 बनाना रुपीज 1 में। तो इधर कितने बनानास हैं, x बनानास हैं, तो x बनानास जो हो जाएंगे वो रुपीज 1 इंटू एक्स, देयर फोर रुपीज एक्स के हो जाएंगे, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सेकेंड लॉट वो किसने में बेचना चाह रहा है, सेकेंड लॉट वो कितने में बेचना चाह रहा है, 4/5 बनानास। एक मिनट आप इसका बनाओ, 4/5 बनानास के हिसाब से, ओके। देखो केस 2 में सेकेंड लॉट उसको कितने में बेचना है, 4/5 बनानास है, 5 बनानास 4 रुपए के, 5 बनानास 4 रुपीज 4। तो 5 बनानास अगर 4 रुपए के हैं, तो अपन ने यूनिटरी मेथड बचपन में खूब सीखा है, एक बनाना कितने का होगा, बोलो एक बनाना कितने का होगा, बोलो बच्चों, 4/5। और यहाँ पे इस लॉट में कितने नंबर ऑफ बनानास है, y नंबर ऑफ बनानास है, तो y बनानास विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ, y इंटू 4/5 करेंगे तो 4y/5। इज दिस क्लियर, बोलो इज दिस क्लियर। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है, भाई इधर से इतने रुपए आए, एक बनाना 1 रुपए का बेचा तो x बनाना बेचने में x रुपए हाथ में आएंगे, 5 बनाना 4 रुपए की रेट से बेचेंगे तो y बनाना बेचने में 4y/5 इतने रुपीज हाथ में आएंगे, तो टोटल कलेक्शन x प्लस 4y/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल कलेक्शन x प्लस 4y/5 इक्वल टू, बुक के अकॉर्डिंग ये टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है, 460। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 × x 5x प्लस 4y, और 5 को उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं 460 से, 5 0 5 6 30, रिमाइंडर 3 5 4 20 3 2300। सही किया क्या, चेक करो, चेक करो एक बार, सही किया क्या मल्टीप्लीकेशन,
सो दिस इज माय क्वेश्चन. बोलो चेक करो सही किया क्या. यस सर. ओके चलो नाउ सॉल्व करते हैं. अब हम इसको किसी भी एक मेथड से, एक बार मैं दोनों इक्वेशन साथ में लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे. देखो इक्वेशन नंबर वन है 2x plus 3y equal to 1200. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन जो बनाई है 5x plus 4y equal to 2300, राइट. ये क्वेश्चन. चलो कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे बोलो. कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे. सब्स्टिट्यूशन. ओके तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ. देखो बताना मुझे मैंने सही निकाली क्या. 1200 minus 3y divided by 2 सही निकाली क्या बोलो. ओके सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करते हैं. अब तो एक्सपर्ट हो गए आप तो डायरेक्ट करना सीखो. 5x x की वैल्यू 1200 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 4y इक्वल टू व्हाट 2300. ओके चलो 5 से 2 कटता तो है नहीं तो 1200 इनटू 5 हो जाता है 6000 माइनस 5 जा 15y प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 को उधर पहुंचाऊंगा 4600. बताओ सही किया क्या सब कुछ. माइनस 15y प्लस 8y इज माइनस का 7y और 4600 माइनस 6000 विल गिव मी व्हाट. माइनस का 6000 में से गए तो कितने 1400. तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1400 अपॉन माइनस दैट इज प्लस का 200. और x और y याद रखना नंबर ऑफ बनानाज हैं a लॉट में और b लॉट में तो पॉजिटिव ही आने चाहिए. अगर गलती से भी नेगेटिव आ जाए समझ लेना गलती करिए. इसको पुटअप कर दो इक्वेशन वन में. तो इक्वेशन वन में x की वैल्यू रखी थी हमने 1200 माइनस 3y और y की जगह 200 पुटअप करूंगा होल डिवाइडेड बाय 2 सो इट कम्स आउट टू बी 1200 माइनस 600 इज 600. 600 बाय 2 इज इक्वल टू 300. ओके सो x आ गया 300 y आ गया देयरफॉर x, y इक्वल टू 300, 200. अब उसने आपसे क्या पूछा था. उसने हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ बनानास. तो टोटल नंबर ऑफ बनानास क्या कैसे निकालेंगे हम. टोटल नंबर ऑफ बनानास तो टोटल नंबर ऑफ बनानास मतलब लॉट ए में कितने बनानास थे एक्स बनानास थे. लॉट बी में कितने बनानास थे वाई बनानास थे. दोनों का टोटल कर देंगे तो एक्स एंड वाई कितना निकला 300 and 200. दैट मीन्स उसके पास टोटल 500 बनाना थे दोनों लॉट में. 500 बनानास थे दोनों लॉट में मिलाकर. अगर आपसे अलग अलग पूछे तो अलग अलग भी बता सकते हो. भाई 300 बनानास लॉट ए में थे एंड 200 बनानास लॉट बी में थे और टोटल पूछे तो टोटल बता सकते. इज दिस क्लियर. दिस इज द फाइनल आंसर. बताओ कोई डाउट. यस सर. ठीक है अब जस्टिफाई करते हैं. चलो जल्दी से देखो इसमें 300 बनाना हो गया मतलब है ना. इसमें 200 बनाना हो गया. देखो इसमें एक बनाना एक इधर आ जाओ. तीन बनाना 2 रुपए का एक बनाना 2/3 रुपए का तो x x की जगह मैं 300 रख दूं. 300 बनाना कितने रुपए के होंगे. कितने रुपए के होंगे 3 × 300 से कट गया 100 × 200 200 रुपए के हो जाएंगे ये. बोलो सही किया क्या. इधर आ जाओ एक बनाना 1 रुपए का तो यहाँ पे 200 बनाना है. 200 बनाना 200 रुपए के बोलो. और 200 और 200 मिलके 400 रुपए होते हैं. ऐसा ही कह रहा है वो. ऐसा ही कह रहा है कि केस वन में 400 रुपए मिलेंगे उसको मिल रहे हैं 400 रुपए. बताओ चलो सेकंड केस में आओ. तो सेकंड केस में इधर 300 बनाना हो गए. इधर 300 बनाना हो गए कितने रुपए के 300 रुपए के क्योंकि 1 रुपए का एक बनाना है 300 रुपए के. इधर आ जाओ एक बनाना 4/5 का है और बनाना कितने टोटल 200. तो कितने के होंगे 200 × 4/5 करके देखो यहाँ पे 200 × 4/5 5×4 = 20 160 रुपए के राइट. 160 और 160 और 300 जब ऐड करूंगा तो 460 हो जाएगा जैसा कि बुक में गिवन है टोटल कलेक्शन है ना. हो गया सॉल्व. जस्टिफाई भी हो गया. बोलो समझ आया. यस सर. ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. इसको डिलीट कर देता हूं मैं. ओके क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉफिट एंड लॉस का है. आपने बचपन में खूब किया है. ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन. एक टीवी को 5% गेन में बेचने पर और एक फ्रिज को 10% गेन में बेचने पर एक शॉपकीपर को टोटल मुनाफा होता है 2000 रुपए. लेकिन अगर वो टीवी को 10% गेन में बेचे और फ्रिज को 5% लॉस में बेचे. देखो टीवी को तो 10% गेन में बेचे और फ्रिज को 5% लॉस में बेचे तो उसको 1500 रुपए का टोटल मुनाफा होता है. इधर से कुछ मिला इधर से कुछ गया कुल मिला के ओवरऑल मुनाफा कितने का हो गया 1500 रुपए.
पूरे टोटल ट्रांजेक्शन पे, उधर उधर तो दोनों से मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, तो टोटल मुनाफा 2000, इसमें क्या है, इससे तो मिल रहा है लेकिन उधर जा रहा है, उधर माइनस हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा मुनाफा टोटल कम हो गया 1500 रुपए। फाइंड द एक्चुअल प्राइसेस ऑफ टीवी एंड फ्रिज, तो एक्चुअली जो टीवी की प्राइस है वो कितनी है और फ्रिज की प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, समझ आया क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आएगा बेटा? यस सर। अब एक्चुअल प्राइसेस का मतलब है कि उसके पास वो टीवी और फ्रिज के, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे, है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो वो चेंज कर रहा है ना। देखो पहले केस में उसने सेलिंग प्राइस टीवी की 5% गेन से करी है, सेकंड केस में उसने 10% गेन से करी है, फर्स्ट केस में उसने फ्रिज की कॉस्ट सेलिंग प्राइस 10% गेन से करी है एंड सेकंड केस में 5% लॉस से, तो सेलिंग प्राइस तो चेंज हो रही है, कस्टमर टू कस्टमर वो सेलिंग प्राइस चेंज कर रहा है, बट कॉस्ट प्राइस तो फिक्स हो गया ना, जितने रुपए में वो लेकर आया है वो तो फिक्स हो गया ना। तो आपसे यहाँ पे एक्चुअल का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, अंडरस्टूड है ना। तो लेट अस से मैं टीवी की कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेता हूँ एंड फ्रिज की कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। समझ आया? देखो यहाँ ले लेते हैं टीवी, यहाँ ले लेते हैं फ्रिज, ओके, यहाँ ले लेते हैं टीवी, यहाँ ले लेते हैं फ्रिज। तो टीवी की कॉस्ट प्राइस लेट अस से मैं मान लेता हूँ एक्स एंड फ्रिज की कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, वाई, रुपीस, रुपीस एक्स एंड रुपीस वाई। कोई डाउट यहाँ तक? टीवी की कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं मैं रुपीस एक्स एंड फ्रिज की कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं रुपीस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब केस वन देखो, जो जनरल असम्पशन है ना, केस वन, केस वन में हमने क्या किया, एसपी निकालते हैं। अब एसपी निकालना आता है आपको, सीपी के अंदर गेन जोड़ते हैं, या तो फॉर्मूला आपको बचपन का याद होना चाहिए, या तो सीपी के अंदर अगर गेन हुआ है तो उसको जोड़ देते हैं, और या फिर अगर लॉस हुआ है तो सीपी में से लॉस माइनस कर देते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं, बोलो, सेलिंग प्राइस निकालने के, या तो कॉस्ट प्राइस में गेन जोड़ दो या कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दो, अगर लॉस हुआ है तो घटा दो, गेन हुआ है तो जोड़ दो, तब आपको सेलिंग प्राइस मिलती है, याद है क्या, बताओ। अब देखो टीवी के केस में तो उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है, और इधर इसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इधर भी उसको गेन ही हुआ है, दोनों जगह गेन ही हुआ है, केस वन में तो दोनों जगह गेन हुआ है ना, तो इसकी एसपी कैसे आ जाएगी, सीपी प्लस गेन, वही सेम, ठीक है। इसकी सीपी क्या मानी है आपने, एक्स, और गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है 5%, तो 5% किसका होता है, गेन या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है, बचपन में मैडम ने सर ने खूब सिखाया होगा आपको कि गेन या गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ठीक है। तो 5% किसका निकालूंगा मैं, इसी कॉस्ट प्राइस का निकालूंगा, एक्स का ही निकालूंगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 20 टाइम कट जाएगा, x प्लस एक्स बाई 20, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20x प्लस एक्स यानी 21x बाई 20। बोलो समझ आया क्या, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, बोलो समझ आया क्या, इधर आ जाओ, क्या सो मैं क्या कह रहे हो, देखो सीपी एक्स मानी और गेन परसेंटेज है 5%, तो वो भी सीपी पे ही होता है, वो गेन परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 500 × x। इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल गेन आ गया, ओवरऑल एसपी आ गई मेरी टीवी की 21x/20। अब इधर फ्रिज की एसपी निकालते हैं, तो इसकी सीपी आपने मानी है वाई, और इस बार इसका गेन परसेंटेज कितना है, 10% गेन है, तो 10% इसी पे निकालेंगे, वाई पे ही, कॉस्ट प्राइस पे ही, तो 0 से 0 कटने के बाद ये वाई बाई 10, वाई प्लस वाई बाई 10 एंड दैट विल कम आउट टू बी 10y प्लस y यानी 11y/10, ठीक है, 11y/10, ओके। अब सुनो ये तो है, अभी यहाँ पे केस वन खत्म नहीं हुआ है, देखो ठीक है, अब टोटल एसपी निकालो, टोटल एसपी हो गई मेरी 21x/20 प्लस 11y/10, और उसने क्या कहा था आपको, उसको 2000 रुपए बचते हैं, तो ये तो गेन है ना, तो गेन कैसे निकालते हैं, बोलो गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालने के लिए एसपी में से सीपी माइनस करना होता है, तो ये तो है टोटल एसपी, इसमें से टोटल सीपी माइनस करूंगा मैं, टोटल सीपी कहां से निकलेगा, इसकी सीपी कितनी थी एक्स और इसकी सीपी कितनी थी वाई, इन इसको माइनस करने के बाद गेन आएगा, ये तो देखो टोटल एसपी है, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, गेन निकालने का फॉर्मूला हो गया मेरा टोटल एसपी, दिस इज माई टोटल एसपी एंड दिस इज माई टोटल सीपी, टोटल एसपी में से टोटल सीपी माइनस करेंगे तो गेन मिलेगा, बोलो समझ आया क्या, बोलो बच्चों समझ आया क्या, ओके। तो फाइनली कितना मिलेगा, देखो 21x/20 में से एक एक्स जाएगा, तो 20 माइनस कर लो, यानी कि सिंपली x/20 हो गया, तो सिंपली x/20 हो गया, बोलो
बोलो। देखो एक्चुअली हमने जबरदस्त इसको लंबा खींच दिया। हम इधर से ये भी कर सकते हैं, देखो हमको तो केवल गेन से मतलब है ना, हमको तो केवल गेन से मतलब है ना, तो हम केवल ये एक्स बाई 20 वाला पोर्शन ले लेते हैं। अभी भी तो एक्स बाई 20 आ रहा है ओवरऑल। और इधर देखो 11 बाई 10 माइनस वाई करेंगे तो इधर भी वाई बाई 10 ही आएगा, यानी कि उधर से भी और इधर से भी हम केवल गेन गेन भी उठा लेते तो हमको पता चल जाता टोटल गेन। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन मिसरीड कर लिया, मुझे लगा कि ये टोटल एसपी कह रहा है, शॉपकीपर गेन है ये। अगर ये टोटल एसपी कहता ना तो मैं क्या करता, दोनों के एसपी मिला के 2000 के इक्वेट कर रहा था। मतलब ये जो टोटल एसपी है इसको मिला के मैं 2000 के इक्वेट कर रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा तो ये तो गेन है, तो गेन है तो फिर इसमें से टोटल सीपी माइनस करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फिर तो ये टोटल एसपी टोटल सीपी का कॉन्सेप्ट ही लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एक्चुअली एसपी निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सीधा गेन निकालो। देखो मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं इसको, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं। आप अगर इस तरीके से करोगे तो नो डाउट उससे भी आ जाएगा, बट क्यों हम इतना लंबा करें जब उसने एसपी निकलवाई नहीं आपसे। तो हम क्या कर देते हैं, देखो एसपी क्यों निकालूं मैं, शॉर्ट कर दो बिल्कुल। आप सीधे गेन निकालो और इधर से भी निकालो उधर से भी निकालो और दोनों गेन को जोड़ के जितना गेन बुक में गिवन है उससे इक्वेट कर दो, एसपी में घुसो ही मत। अब देखो ये हो जाता है, थोड़ा सा अगर मिसरेड कर देता हूँ फालतू में लंदी कर देते अपन, तो गेन निकालना है। गेन कितना है इसमें है 5%, तो 5% किसका, सीपी का, 5/100 इंटू एक्स दैट विल गिव मी एक्स बाई 20। सिंपल, इधर आ जाओ, इधर भी गेन निकालना है। गेन कितना है यहाँ पे 10%, 10% किसका, सीपी का ही, तो 10/100 इंटू एक्स दैट विल गिव मी एक्स बाई 10। तो अब टोटल गेन निकालना है, टोटल गेन केस वन मतलब पहले ट्रांजेक्शन में टोटल गेन कितना हुआ, इधर से गेन कितना हुआ साहब एक्स बाई 20, उधर से गेन कितना हुआ, सॉरी ये वाई था ठीक है, वाई बाई 10, एक्स बाई 20 वाई बाय 10, ये टोटल गेन हो गया। और बुक के अकॉर्डिंग टोटल गेन कितना है, 2000 रुपये। समझ आया क्या, बोलो समझ आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम ले लेता हूं मैं, 20 एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20 को उधर पहुंचा देता हूं, लगे हाथ 20 को उधर पहुंचा दो तो 20 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 40,000। सो दिस वुड बी माई इक्वेशन नंबर 1, शॉर्ट एंड ईजी। आ जाओ केस टू की बात करते हैं ना, केस टू में मुझे बताओ कि गेन कितना है इसमें, टीवी में गेन कितना है। केस टू में टीवी में गेन है 10%, तो अब की बार गेन 10% ही है, मतलब ज्यादा है पहले से, 5% था पहले, तो ये किस पे वही सीपी पे 10/100 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 10 हो जाएगा। बोलो और इधर आ जाओ, फ्रिज पे तो लॉस है भैया आपकी बार, फ्रिज पे तो लॉस है, कितना लॉस है 5%, तो लॉस भी तो सीपी पे ही होता है। सो इट विल बी इक्वल टू 5/100 इंटू वाई, यानी कि वही वाई बाई 20। लेकिन अब की बार टोटल गेन कैसे निकालोगे बोलो, इन दोनों को जोड़ के निकालोगे क्या टोटल गेन, बोलो। नो सर। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे बताओ सर, बोलो। फ्रिज के सीपी में से इसको लेस करेंगे पहले। अरे कुछ भी मत करो भैया, देखो ये मान लो मेरे पास फायदा हुआ है वो नुकसान हुआ है, तो असल फायदा क्या हुआ, जितना फायदा हुआ उसमें से नुकसान हटा दो। जैसे मान लो मेरे पास 2000 का फायदा हुआ इसको बेचने में और फ्रिज को बेचने में 500 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट 1500 का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो हम क्या करेंगे, गेन में से लॉस को माइनस करेंगे, उसमें तो गेन में लॉस को जोड़ दिया क्योंकि इधर भी गेन टोटल गेन। इस अब की बार क्या करेंगे, इधर गेन है इधर लॉस है, तो गेन में से लॉस को निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा ना, नेट कितना प्रॉफिट बचा मेरे पास, समझे क्या, बोलो। यस सर। कर देता हूँ ये वाला पार्ट सॉल्व, एक्स बाई 10 ये तो मेरा ओवरऑल गेन है माइनस वाई बाय 20 और बुक के अकॉर्डिंग ये टोटल मतलब ओवरऑल गेन कितना है 1500, ओके 1500, तो इसमें एलसीएम ले लो अगेन 20, तो ये बन जाएगा 20 एलसीएम लेंगे तो 2x। अब आप रफली सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y और 20 इंटू 1500 हो जाता है 30,000। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, कैन यू सी, सॉल्व करके देख लेना यही बनेगा। क्लियर है दोनों इक्वेशन, क्लियर है क्या दोनों इक्वेशन, एक साथ लिख लूं। yes, sir. पे देखो x प्लस 2y इक्वल टू 40,000 पहली इक्वेशन एंड 2x प्लस y इक्वल टू कितना 30,000 इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दूं, बोलो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40,000 माइनस 2y, इक्वेशन 2 में पुट अप करते हैं, इक्वेशन 2 में है 2x
तो 2 इनटू x की वैल्यू 40,000 माइनस 2y देन प्लस y देन इक्वल टू 30,000. सॉल्व करते हैं तो 2 इनटू 40,000 इज 80,000 माइनस 2 इनटू 2y इज 4y प्लस y इक्वल टू व्हाट 30,000 माइनस 4y प्लस y इज माइनस 3y इट इज माइनस 3y उधर आ जाओ 30,000 माइनस 80,000 इट इज कितना हो जाएगा माइनस का 50,000 50 माइनस 3 तो पूरा नहीं घट रहा यार आपकी बार ये क्या चक्कर पड़ा चलो और देखते हैं माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय माइनस 3 तो माइनस से तो माइनस कट गया तो एक्चुअल जो वाई की वैल्यू है फ्रैक्शनल आ रही है 50,000 बाई 3 है इसको अगर अपन उसमें सॉल्व करें तो 3 बन जा 3 3 2 जा 6 एक बार फिर से देख लो कुछ गलती तो नहीं करी 40,000 माइनस 2y 80,000 माइनस 4y फिर प्लस y 1500 इंटू 20 किया था तो 30,000 ही बनेगा सही है 30,000 माइनस 80,000 ये बनेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं 3 बन जा 3 3 2 जा 6 नहीं नहीं 3 बन जा 3 20 3 6 जा 18 फिर 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 2 बाई 3 लास्ट में 16,666 रुपये और 2 बाई 3 ये तो y की वैल्यू हो गई अब इसको पुट अप करो वापस x में तो x इज इक्वल्स टू 40,000 माइनस 2y y की वैल्यू पुट अप कर लो y की ये वाली वैल्यू पुट अप कर लो 50,000 बाय 3 वाली 50,000 बाय 3 सो इट इज 40,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 1,00,000 बाय 3 1,00,000 बाय 3 3 इंटू 40,000 क्या हो जाएगा 1,20,000 एक जीरो 1,20,000 में से 100,000 कटाओ होल डिवाइडेड बाई 3 तो ये हो जाएगा 20,000 बाई 3 20,000 बाई 3 को आप सॉल्व करोगे तो 3 बन जा 3 नहीं 3 6 जा 18 से स्टार्ट होगा 3 6 जा 18 फिर 20 3 6 जा 18 3 6 जा 18 2 बाई 3 ठीक है तो x तो मानी थी हमने क्या x तो मानी थी हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी आ रही है 6,666 रुपए और 2 बाई 3 यानी 2 बाई 3 का मतलब है 66 पैसे हो गए है ना और अगर अपन ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना चाहे तो इसका आंसर आ गया क्योंकि अभी जस्टिफाई भी करेंगे ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रख देते हैं इसका आंसर आ गया 20,000 बाय 3 और उसका आंसर आया 50,000 बाय 3 राइट चलो अब 20,000 बाय 3 का 5% निकालोगे प्रॉफिट निकालने के लिए तो कितना प्रॉफिट निकलेगा कितना निकलेगा बताओ 20,000 बाय 3 का 5% निकालेंगे 0 से 0 गया 200 इंटू 5 यानी कि 1000 बाई 3 तो यहाँ से मिला प्रॉफिट इधर आ जाओ इसका 10% निकालेंगे 50,000 बाई 3 का 0 से 0 गया 0 से 0 गया यानी 5,000 बाई 3 ये निकला और दोनों को ऐड करूंगा तो 1000 बाई 3 5,000 बाई 3 यानी 6,000 बाई 3 और 6,000 बाई 3 कितना होता है 2000 होता है मैच हो गया बोलो मैच हो गया यस सर इधर आ जाओ इधर भी एक बार और करते हैं क्या था 20,000 बाई 3 20,000 बाई 3 0 0 0 0 तो 2,000 बाई 3 तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ और इधर इधर कितना था 50,000 बाई 3 50,000 बाई 3 50,000 बाई 3 में 0 से 0 गया 500 इंटू 5 यानी कि 2500 डिवाइडेड बाई 3 लेकिन ये लॉस है ना तो इसमें से ये माइनस करेंगे ये कितना आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा था बेटा यहाँ पे कितना आ रहा था 2000 by 3 आ रहा था तो फिर तो चक्कर पड़ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 50,000 by 3 का 5% निकालना है 500 into 5 अच्छा 2500 by 3 है ठीक है लेकिन फिर भी चक्कर पड़ रहा है 2000 में से 2500 माइनस कैसे होगा उसने कुछ गलती की है भैया फिर तो कुछ ना कुछ गलती की है और गलती क्या की है शायद मैंने पकड़ ली है देखो बिल्कुल पकड़ लिए आप में से किसी ने नहीं कहा अरे भैया फर्स्ट इक्वेशन में प्लस का साइन था सेकंड इक्वेशन में तो माइनस का साइन था तभी तो ये चक्कर पड़ रहा है सारा डिवाइडेड बाय थ्री के आंसर आ रहे हैं सारा पीछे चलो इक्वेशन ही गलत लिखी है दूसरे पेज पे जाके दोनों को प्लस वाली इक्वेशन में डाल दिया और आप बोल भी नहीं यहाँ तो माइनस का साइन है ना 2x माइनस वाई है बोलो पकड़ में आई क्या गलती तभी तो देखो अब मैं जस्टिफाई करने से पकड़ लिया ना मैंने क्योंकि जस्टिफाई मैं कर रहा हूं तो 2000 में से 2500 कैसे माइनस होंगे अगर 2000 में से 2500 माइनस करोगे तो लॉस होगा जबकि इसका तो केस 2 में भी प्रॉफिट हो रहा है
केस टू में भी इसका तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि गलती करिए। चलो तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, ये माइनस है बेटा, ये माइनस, दिस इज माइनस, ओके। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, उसके बाद यहाँ पे माइनस वाई करना है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस वाई करना है, माइनस माइनस, तो माइनस फोर वाई माइनस वाई इज माइनस फाइव वाई। अब पूरा आंसर आ रहा है ना, देखो आधा अधूरा नहीं आ रहा ना, मतलब फ्रैक्शनल नहीं आ रहा। माइनस फाइव वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 50,000, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 50,000 बाई माइनस फाइव, बोलो क्या होगा, ये गलत है, 10,000, क्या होगा बोलो, 10,000 आ रहा है, बोलो यस सर, यस। अब यहाँ पे 10,000 रखना है, ना कि 50,000 बाई 3। क्या कुछ कर दिया हमने, एक प्लस की जगह माइनस रखने से, देखो भाई एक साइन की कीमत तुम क्या जानो बच्चों, कितना खतरनाक होता है एक्स माइनस को प्लस करना, 10,000 20,000 इट इज 20,000। अब करो जस्टिफाई, अब बढ़िया, अब आंसर भी ऐसे आ रहे हैं जो बढ़िया मजा आ रहा है देखने में, पहले आंसर ही ऐसे आ रहे थे जैसे आंसर देख के बुखार आ जाए किसी को, ऐसे आंसर आ रहे थे। देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, मतलब x क्या था मेरा, टीवी, टीवी की वैल्यू मतलब टीवी कितने की हो गई मेरी, 20,000 की, टीवी कितने की हो गई 20,000 की, और फ्रिज कितने की हो गई 10,000 की। चलो तो 5% किसका निकालूंगा, 20,000 का, 20,000 का 5% निकालना है, तो 0 से 0, 0 से 0, 200 × 5 1,000 हो जाएगा बोलो, और इधर आ जाओ 10,000 का 10% निकालना है, इधर भी 1,000 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, 0, 100 × 10,000। तो चेक करो, 1,000 + 1,000 = 2,000, मैच हो गया पहला केस, हो गया क्या मैच, यस सर। चलो इधर आओ, 20,000 x की जगह 20,000, तो 10% निकालेंगे ना 20,000 का, तो 2,000 पे मिलेंगे, यहाँ से 2,000 पे मिले, यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे 10,000 का 5% निकालेंगे ना जब, तो 500 रुपये मिलेंगे, क्या मिलेंगे 500, तो 500 तो लॉस है ना, तो 2,000 यहाँ से प्रॉफिट मिला, 2,000 यहाँ से प्रॉफिट मिला, 500 वहाँ से लॉस मिला, तो 2,000 - 500 ओवरऑल प्रॉफिट 1,500 का हो गया, वो भी तो यही कह रहा था कि ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 1,500 का, ठीक है, दोनों केस जस्टिफाई हो गए, समझ आया, yes. तो फाइनल आंसर मेरा ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 20,000 एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज इज 10,000। समझ आया सबको, सब कुछ, yes. कुछ नोट डाउन करना है किसी को कहीं से, कुछ रफली बोलो, नो, ओके, चलिए फिर, सो दैट इज इट, ये हमारा डाउट सेशन का खत्म होता है फाइनली, स्पेशल क्वेश्चन भी बता दिए, एंड भैया जिसने क्वेश्चन भेजे थे सॉल्यूशन देख लेना, क्वेश्चन भेजने से कुछ नहीं होता है, उनका सॉल्यूशन भी देखना होता है, तो इसको सॉल्यूशन को देख लेना, और भी कोई डाउट्स हो तो आप इवनिंग तक नाइट तक आप मेरे को सेंड कर सकते हो, कल टेस्ट पक्का है, कोई रोक नहीं सकता, तो सुबह को अच्छे से प्रिपेयर करके आओ टेस्ट, एंड वंस अगेन आई विल इन्फॉर्म एवरीबॉडी ऑफ यू कि कल 2 ग्राफ शीट्स लेके आनी है आपको, एक नहीं 2, बिकॉज 2 क्वेश्चन दूंगा मैं ग्राफ के, है ना, और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करके चलना है शुरू से ही, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है लीनियर इक्वेशंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, चलो तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करके आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।